हेलो। हाँ हाँ सर, मीटिंग हो गई कि चल रही है? पेपर तुम्हारा कब पेपर? हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। क्या आप सबको आवाज़ आ रही बेटा? क्या आप सबको आवाज़ आ रही मेरी? क्या तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कल हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था बेटा, और 17 मार्च से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस लास्ट 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट एंड एम्स।
इसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। और नीट यूजी के लिए बम्पर ऑफर ये है कि 3 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको July 31st तक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी 1.5 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ज्वाइन करते हैं। और इसमें आप अगर आप HG लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, 17,500 का है, जहां पर 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। तो फाइनल लीप फॉर नीट 2021 90 डेज का रिवीजन है ये, और ये 24th मार्च से स्टार्ट हो रहा है। ये टेस्ट शेड्यूल आपको दिया गया, और कॉम्बैट तो जरूर ही देना क्योंकि फ्री है पूरी तरीके से। HG लाइव कोड का यूज करेंगे इसको अनलॉक करने के लिए, और 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, और 150 विनर को एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। हर संडे को होता है, नेक्स्ट 21st मार्च को होने वाला है। तो हम हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, अगर ये ऐप नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि इस पे भी कई सारी मेरी क्लासेस समय चल रही हैं। ओके बच्चों, इसमें आपको बहुत सारे फ्री लाइव क्लासेस मिलते हैं, जैसे मैं इस समय 2 क्लास ले रहा हूँ ऐप के ऊपर, और साथ ही साथ मेरा कोड है HG लाइव, इसको कॉम्बैट के लिए आप यूज करिएगा, इसको आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो मेरे स्पेशल क्लासेस होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए जरूर करिएगा। और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरा कोड है प्लस के लिए, आइकॉनिक के लिए, कॉम्बैट के लिए। क्वेश्चन स्टार्ट कर दें बेटा, टाइम कितना हो गया, 10:13 हो चुका है। आज हम क्वेश्चन करेंगे 11 बजे वाला सेशन, जानते हो ना, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन VIP सीरीज में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। PDF मिल जाएगी बेटा, PDF तो रोज ही प्रोवाइड कर देते हैं, PDF की तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बताओ जरा, गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव ट्रेड। तो गोल्डन राइस का हाई विटामिन ए, इसमें विटामिन ए काफी ज्यादा मात्रा में। इन 1997 द कंपनी दैट गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, कंपनी ने पेटेंट राइट कहाँ से हासिल किया था, कौन सी कंपनी थी, किस कंपनी ने पेटेंट राइट कहां से हासिल किया था। प्रखर बेटा कौन सी PDF नहीं मिली, मैं साथ में दे दूंगा जिसको, है ना, कौन सी है ये। इन 1997 द कंपनी दैट गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस यहां से। एंटी कोएगुलेंट हीरोडीन इज ऑप्टेन फ्रॉम, एंटी कोएगुलेंट हीरोडीन को कहां से ऑप्टेन किया गया था, एंटी कोएगुलेंट हीरोडीन को कहां से ऑप्टेन किया गया बेटा, सीड ऑफ द ब्रेसिका नेपस, सलजम से ऑप्टेन किया गया था। द क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यार बायोटेक के क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन से हैं। कम ऑन बच्चों, सारे बच्चे लाइक करें सेशन को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में। Yes, providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme, सही है। Creating optimal condition through engineering for a catalyst to act, downstream processing technologies, all correct answer हो जाएगा। Cryogene is associated with, cryogene किससे बेटा associated, जल्दी से बताइए। Cryogene is associated with, yes, come on बच्चों, cryogene किससे associated होती है, बैसिलस थुरंजेंसिस से एसोसिएटेड होती है। DNA इज ए वेरी लॉन्ग पॉलीमर एंड देर आर टेक्निकल लिमिटेशन इन सीक्वेंसिंग वेरी लॉन्ग पीसेस ऑफ DNA, द लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ DNA आर सीक्वेंस्ड यूजिंग।
लंबे डीएनए फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करने के लिए किसका यूज करते हैं? एनसीईआरटी में आपको दिया गया बेटा, लेकिन ये आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दिया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको दिया गया। लॉन्ग डीएनए फ्रेगमेंट को सीक्वेंस करने के लिए किसका यूज करते हैं? बीएससी एंड वाईएससी, यानी बोथ आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एनी सेल बाय, डीएनए को किसी भी सेल के अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? डीएनए को सेल के अंदर किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? इंजेक्शन के द्वारा, बींग कॉम्प्लेक्स विद कैल्सियम आयन, बींग प्लेस्ड अलोंग विद सेल इनटू ए जीन गन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताओ क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां पर बींग कॉम्प्लेक्स विद कैल्सियम आयन, कैल्सियम आयन से अगर ट्रीट कर देंगे तो डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इंजेक्शन नहीं बेटा, माइक्रो इंजेक्शन होगा, इसलिए गलत है। इसमें लिखा बींग प्लेस्ड अलोंग विद द सेल इनटू ए जीन गन, सेल को जीन गन में नहीं रखते हैं, सेल को जीन गन में नहीं रखते हैं बेटा, ये गलत कर रहे हो आप। सेल को जीन गन में रखा नहीं जाता, जीन गन से माइक्रो पार्टिकल को उस पर डालते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी अच्छा सवाल है, मैं देख रहा हूँ ज्यादातर बच्चे सी ऑप्शन पर जीन गन उन्होंने देखा आंसर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि जीन गन के अंदर सेल को प्लेस कर देते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जीन थेरेपी इज ए जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूज टू ट्रीट डिजीजेज एट मॉलिकुलर लेवल बाई रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन बाई विद नॉर्मल जीन, सही है। कैल्सिटोनिन इज मेडिकली यूजफुल रिकॉमिनेंट प्रोडक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या। बीटी टॉक्सिन इज ए बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड ऑप्टेन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजियंसिस, सही है। ट्राइकोडर्मा इज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, ये भी सही। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत होगा। Which one of the following can help in the diagnosis of genetical basis of disorder? जो genetical disease होती हैं, उनकी diagnosis करने के लिए किसका use करते हैं? Genetic disease की diagnosis करने के लिए किसका use करते हैं? NCERT ने दिया PCR का use करते हैं। cDNA, ये C small होना चाहिए। cDNA probes are copied from mRNA molecule with the help of, अगर mRNA से cDNA का formation करते हैं, mRNA से cDNA बना रहे हैं, मतलब आरएनए से अगर डीएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आरएनए से डीएनए की अगर सिंथेसिस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो जाएगा। प्रोब यूज्ड इन मॉलिकुलर डायग्नोसिस ऑफ डिजीज कैन बी, प्रोब क्या होता है बेटा? प्रोब क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नहीं बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल टैग्ड विद ए रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, 12, टू प्रोड्यूस इंसुलिन वाया नॉन ह्यूमन सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द वेक्टर्स प्लाज्मिड। इंसुलिन को अगर हम नॉन ह्यूमन सेल में प्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो किस चीज को वेक्टर के प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा? ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम ए ह्यूमन, तो ह्यूमन से ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है डीएनए है उसका एक हिस्सा हमें इंसर्ट करना पड़ेगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सम एरियाज फार्मर हु ग्रो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज ए गैप बिटवीन जीएम एंड नॉन जीएम क्रॉप, व्हाट इज द रीजन फॉर लीविंग ए गैप बिटवीन द क्रॉप, गैप क्यों दिया जाता है जीएम क्रॉप और नॉन जीएम क्रॉप, ये अच्छा सवाल हो सकता है आपके लिए, ठीक है, ये अच्छा सवाल होगा। स्टार क्वेश्चन है, गैप क्यों देते हैं बेटा? क्लास की टाइमिंग ये होती है बेटा, क्लास 10 बजे से है ना, 10 बजे से क्लास होती है 11 बजे तक, 10 से 11 मंडे टू सैटरडे। बताइए, टू प्रिवेंट क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन जीएम एंड नॉन जीएम क्रॉप है ना, इसीलिए गैप देते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 13 के लिए, 13 के लिए बी ऑप्शन ठीक है ना मैंने। हाँ, ए ट्यूमर इंड्यूसिंग ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए वाइडली यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, मतलब टीआई प्लाज्मिड की बात कर रहा है ना, टीआई प्लाज्मिड की बात कर रहा है, तो टीआई प्लाज्मिड कहां से ऑप्टेन किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड को कहां से ऑप्टेन करते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, 11 वाली क्लास ऐप पे होगी बेटा।
अच्छा मेरी क्लास दिखाई नहीं देती है। अच्छा शगुप्ता बेटा, मेरी तीन क्लास होती है डेली बेसिस पर, ठीक है। मेरी तीन क्लास होती है, एक क्लास होती है 9 बजे, एक क्लास होती है 10 बजे और एक क्लास होती है 11 बजे। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, तीन क्लास होती है। ये क्लास होती है ऐप पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। 10 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर होती है और 11 बजे वाली क्लास ऐप पे होती है, ठीक है। 9 बजे वाली क्लास में एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर हम नीट पंचायत कर रहे हैं, और 11 बजे वाली जो क्लास होती है उसमें हम VIPs यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। नोटिफिकेशन के लिए बेटा बेल आइकन प्रेस कर लो तो नोटिफिकेशन मिलेगा। तो परमग्रह सर खाना कब खाते हैं? खाना बेटा मैं 7 बजे तक खा लेता हूँ, आपको भी खा लेना चाहिए जल्दी खाना। 15 नंबर पे आ चुके हैं ना, बताओ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। इट वॉज मैनुफैक्चर्ड बाई एन अमेरिकन कंपनी एली लिली, सही है। इट इज प्रोड्यूस बाई द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई कोलोन। क्या ई कोलाई का यूज किया गया था? ई कोलाई का यूज किया गया था बेटा इसके लिए, सही है। इट वॉज लॉन्च ऑन 5 जुलाई 1983। वाह वाह क्या सवाल है, 1983 तो सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोवाइन इंसुलिन एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मिलिटस। बोवाइन तो जानवरों से मिलती बेटा, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1, 2, 3 सी ऑप्शन हो जाएगा। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ बीटी कॉटन, बीटी कॉटन के कुछ करेक्टर आपको बताएगा। मॉर्निंग वाली क्लास, मॉर्निंग वाली क्लास भी होती है बेटा, मॉर्निंग वाली क्लास 6 बजे से होती है, सुबह 6 बजे। एनटी मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पर, ठीक है। ये क्लास भी यूट्यूब पर होती है सुबह। 16 नंबर सवाल, हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म। हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू बॉलवर्म, डी ऑप्शन हो जाएगा। कल 9 बजे वाली क्लास का टॉपिक है कंप्लीट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के कंप्लीट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। कंप्लीट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। विच आर द फॉलोइंग ईयर इट वॉज प्रोड्यूस्ड एंड वॉट इज द ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन मिल्क। ईयर आपको बताना है और कौन सी प्रोटीन है, जल्दी से बताइए बेटा। कम ऑन बच्चों, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। किस ईयर में प्रोड्यूस किया गया था और कौन सी प्रोटीन थी बेटा, दोनों चीज बताइए। दैट ईयर इज 1997 एंड प्रोटीन इज ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन प्रोटीन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बट वन इंगेस्ट इंसेक्ट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज कन्वर्टेड इंटू एन एक्टिव फॉर्म। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉज ऑफ एक्टिवेटिंग द बीटी टॉक्सिन। नीट में हर साल सवाल आपसे पूछा जाता है कैसे ये एक्टिवेट होता है, कैसे एक्टिवेट हो जाता है, एल्केलाइन कंडीशन ऑफ गट, एल्केलाइन कंडीशन की वजह से। विच आर द फॉलोइंग शोज ए करेक्ट पेयर विद रिस्पेक्ट टू PBR-322। PBR-322 के लिए करेक्ट आपको बताना है ओराई हिंदी 3, ओराई पे हिंदी 3 होता है क्या, नहीं होता है। टेट्रासाइक्लिन एस्ट्रिंजेंट पे बामेचोन साल्वन होता है, यस 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 बिल्कुल सही है। बाकी स्टेटमेंट जो दिए गए वो सारे स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग फ्रॉम वन गिवन बिलो। इनकरेक्ट आपको बताना है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए बताइए। 20 नंबर, इट द प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द बायोसिंथेटिक स्टेज। बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद होता है, ड्यूरिंग नहीं होता है, आफ्टर होता है। इट इज देयर टू फैसिलिटेट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। नहीं, ये तो बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। इट हेल्प टू इंश्योर स्टेराइल कंडीशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिजायर प्रोडक्ट। ये भी हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पहले यूज करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्रोसेस टू इंश्योर डिजायर्ड प्रोडक्ट टू रेडी फॉर मार्केटिंग, यस ये सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट हो गए A1, 2 and 3, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। 1, 2, 3 तीनों गलत हो जाएंगे बेटा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। बीटीन बीटी कॉटन इंडिकेट दैट इट इज जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गोल्डन राइस इज ए प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज्ड फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन। गोल्डन राइस का फायदा क्या है बेटा, गोल्डन राइस का फायदा है करेक्शन ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, जो विटामिन ए की कमी होती है उसको ये सही कर सकता है। इल्यूजन एज बताइए, इल्यूजन क्या है, What is illusion?
इल्यूजन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ इल्यूजन, द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट एंड एक्सट्रैक्टिंग बैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम द एग्रोसेल, यस दिस इज द इल्यूजन। 23 में डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन इन ह्यूमन डाइसल्फाइड बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन, तो प्रो इंसुलिन होता है बेटा उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच एग्जिस्ट करता है? देखो चाहे इंसुलिन पूछा जाए चाहे प्रो इंसुलिन पूछा जाए, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वो ए और बी चेन के बीच ही होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ए और बी चेन के बीच ही बॉन्ड पाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग जीएमओज, जीएमओज को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड होस्ट डीएनए इनटू होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरएनए इंटरफेरेंस इज ए टेक्निक यूज फॉर मेकिंग टोबैको प्लांट रेजिस्टेंट अगेंस्ट पेस्ट लाइक नेमेटोड, मेलोडिक एंड इनकॉग्निशिया। इन दिस टेक्निक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनहिबिटेड, आरएनए इंटरफेरेंस में हम क्या इनहिबिट करते हैं? इसका नाम अगर सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या इनहिबिट करते हैं बेटा। यहाँ पर हम मैसेंजर आरएनए की साइलेंसिंग करते हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन बनने से रोकते हैं, यानी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए का ट्रांसलेशन रोका जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन इज ए टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, दिस टेक्निक इनेबल जीन मैनिपुलेशन बाय इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक में, इलेक्ट्रोपोरेशन जो टेक्निक है इसमें हम क्या करते हैं? दिस टेक्निक इनेबल जीन मैनिपुलेशन बाय। क्वेश्चन नंबर 27, मेकिंग ट्रांजिएंट पोर इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन, यहाँ पर जीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखते हैं और उसमें सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एज ए टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को टूल के तौर पर क्यों यूज किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, क्योंकि ये डीएनए को कट कर सकते हैं स्पेसिफिक बेस सिक्वेंस के ऊपर। मैच द कॉलम, चलिए कॉलम मैच करिए जल्दी से, फास्ट करिए बच्चों, कम ऑन बच्चों। अभी मेरी 4 क्लास चल रही है इस समय, 6 बजे सुबह, रात में 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, और इन चारों सेशन में कुल मिला के इस समय अभी मैं 300 सवाल डेली करा रहा हूँ, 300 सवाल, एक महीने में आपके 10,000 सवाल हो जाएंगे, 120 दिन में 40,000 सवाल मैं आपको करा दूंगा, बस आप साथ में लगे रहिएगा बेटा, ठीक है। इम्फाइसिमा, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, A2, बस एक मैच करवा लो, आंसर आ गया, खत्म। साइलेंसिंग ए स्पेसिफिक एमआरएनए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स ट्रांसलेशन, देखो यहाँ लिखा है कि ट्रांसलेशन को रोकता है, टू बी ए सेल डिफेंस मैकेनिज्म, व्हाट इज द नेम फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम बताना है, अभी तो बताया था, इस प्रोसेस का नाम क्या, दैट इज कॉल्ड आरएनए आई आरएनए इंटरफेरेंस। अदर देन जीन थेरेपी विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पोरेरी रेमेडीज, रेमेडीज मतलब इलाज, ट्रीटमेंट हैव बीन प्रीवियसली यूज फॉर ट्रीटिंग एडीए डिफिशिएंसी, टेम्पोरेरी इलाज कौन सा है बेटा, टेम्पोरेरी इलाज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31, टेम्परेरी इलाज और कौन सा है यहाँ पर, जल्दी से पहचानिए, 90 क्वेश्चन करने, 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी टेम्परेरी की ओर है, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन मियोसाइट, मियोसाइट में पूछा, मियोसाइट बेटा होता है मदर सेल जिसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑफियोग्लॉसम में तो ये एन दिया हुआ है ना, एन दिया हुआ तो गलत हो जाएगा, पोटैटो में 48 होते हैं टोटल, तो ये एन दिया हुआ ये भी गलत हो जाएगा, 2n आपको बताना है। मेज में आपको, मेज में 2n आपको दिया गया, एप्पल में 34 क्रोमोसोम होते हैं, यहाँ पर n आपको दिया गया, तो मेज में क्रोमोसोम का नंबर सही दिया गया, बाकी सब में गलत है। जीन थेरेपी इज ए इंसर्शन ऑफ जीन यूज्ड इन, बताइए जीन थेरेपी का यूज जो किया जाता है, जीन थेरेपी इज द इंसर्शन ऑफ जीन यूज्ड इन, जीन थेरेपी का यूज किया था ट्रीटिंग स्पेशली हेरिडिटरी डिजीज, जो जेनेटिक डिजीज होती है उनको ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा। कुछ दिन 10 दिन फैक्ट एंड फंडा साथ में पढ़ो बेटा, आदत फिर से लग जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? जीएमओ क्रॉप हैव इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, ठीक है। ट्रांजेनिक क्रॉप आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, सही है। जीएमओ क्रॉप हैव रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ये भी सही है। बायो फोर्टिफाइड गोल्डन राइस हैविंग हाई विटामिन ए कंटेंट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस,
इसमें तो सारे सही लग रहे हैं मुझे। डी में क्या गलती लग रही है? गोल्डन राइस में विटामिन ए ही तो होता है। हाँ रिड्यूस करता है बेटा, जीएम क्रॉप रिड्यूस करता है। इसमें तो सारे सही हैं। बेटा ट्रांसजेनिक है तो जीएमओ तो होगा ही बेटा, ठीक है आयशा? ट्रांसजेनिक है तो जीएमओ तो होगा ही, ठीक है सारे सही हैं। कैन बी यूज टू इंसर्ट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन टू एनिमल्स, है ना? अगर अब जबरदस्ती करना ही होगा तो हम डी कर सकते हैं आंसर, है ना? लेकिन मेरे हिसाब से तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मिनरल यूज इंक्रीज होता है बेटा, इंसर्टिंग लिखा है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एनिमल सेल में इंसर्ट करने के लिए, एनिमल सेल में इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं बताइए? एनिमल सेल में इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रो इंजेक्शन का तरीका यूज करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन, बिल्कुल। कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्टीलर सीकाओ ऑफ रशियन पैसेंजर पिजन, स्टीलर सीकाओ और पैसेंजर पिजन का, ये तो इकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। किस वजह से एक्सटिंक्ट हुए थे? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बीटी कॉटन, इनमें से कौन सा बीटी कॉटन के लिए एप्लीकेबल नहीं, कौन सा बीटी कॉटन के लिए एप्लीकेबल नहीं बताइए? इनमें से कौन सा बीटी कॉटन के लिए एप्लीकेबल नहीं है? यस कम ऑन बच्चों, बीटी कॉटन इज ए जीएम प्लांट, इट शोज इंसेक्ट रेजिस्टेंस, इट हैज बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन इन इट सिस्टम, इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड, नहीं सारे पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट नहीं होता है। गोल्डन राइस इज, गोल्डन राइस इज ए वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर ऑफ चाइना, नहीं बेटा। लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग येलो कलर टिंट, ना। ट्रांसजेनिक राइस हैविंग द जीन फॉर बीटा कैरोटीन, यस सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस, इट इज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, बिल्कुल सही है। इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड RNA, बिल्कुल सही है। द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री RNA इन दिस प्रोसेस मे बी इन्फेक्शन बाई वायरसेस हैविंग RNA जीनोम, सही, ऑल आर ट्रू, 39 में सारे सही है। इफ द बायो रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एसेस्ड विदाउट ऑथराइजेशन इट इज कम अंडर, इसे क्या कहते हैं? अगर किसी के बायो रिसोर्सेज का कोई ऑर्गेनाइजेशन बिना ऑथराइजेशन के यूज कर ले तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज बायोपायरेसी, से बायोपायरेसी कहा जाता है। सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के लिए गलत कौन सा है? 41, द टॉक्सिन इज मेड बाय द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट बनाता है टॉक्सिन को, बैसिलस थुरिंजेंसिस बनाता है ना, तो यहाँ तो यूकैरियोट लिखा हो तो प्रोकैरियोट है। द टॉक्सिन इज ए प्रोटीन एंड इंसेक्टिसाइडल, हाँ ये सही है। They are produced in the active form, नहीं inactive form में बनते हैं। The toxin is coded by the cryogen, ये सही, तो incorrect पूछा है। कौन से incorrect हैं? तो 1 और 3 incorrect हैं। तो all except 2 and 4, है ना? 2 और 4 को छोड़ दीजिए, तो बाकी incorrect हो गए, है ना? A option हो जाएगा, बिल्कुल। Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects such as आर्मी वर्म, इज आर्मी वर्म, आर्मी वर्म एनसीईआरटी में दिया गया। आर्मी वर्म को कौन किल करता है बेटा? आर्मी वर्म को कौन किल करता है? जो टोबैको बडवर्म होता है और आर्मी वर्म, उसको लेपिडोप्टेरन किल करते हैं, लेपिडोप्टेरन किल करते हैं। ह्यूमिलिन इज, ह्यूमिलिन क्या है बेटा? ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन दो वर्ड से मिलकर बना है, ह्यूमन को इंसुलिन से मिला दिया गया ना, ह्यूमन प्लस इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन में HUM यहां से लिया गया, ULIN यहां से लिया गया और ह्यूमिलिन बना दिया गया। तो ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया से जो बनाया गया था उसी को हम ह्यूमिलिन कहते हैं। हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक हैव बीन अप्रूव्ड फॉर यूज, ह्यूमन यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया भर में कितने रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स हैं जिनको ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव कर दिया गया है? 30 रिकॉम्बिनेंट। इंडिया में कितनी ही आप बताओगे?
बायोलिस्टिक और जीन गन इज सुटेबल फॉर, इंडिया में कितने थेरेप्यूटिक को अभी तक अप्रूव किया गया है जल्दी से बताइए। यस, बायोलिस्टिक या जीन गन किसके लिए यूज होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल के लिए इसका यूज किया जाता है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बेस्ट सूटेड एज ए क्लोनिंग वेक्टर टू इंट्रोड्यूस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इन प्लांट, क्लोनिंग वेक्टर फॉर नेमेटोड स्पेसिफिक जीन प्लांट में पूछा है, प्लांट में, तो प्लांट में अगर हम जीन को, हाँ 12, इंडिया में 12 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स अभी तक अप्रूव की गई, तो अगर प्लांट में हम नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, नेमेटोड वही मेलोडिक एंड इनकॉग्निशा, तो उसके लिए एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस का यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन, सही है क्वेश्चन नंबर 47, हाँ बिल्कुल, ट्रांसजेनिक माइस को पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए यूज किया गया था। जेनेटिकली अल्टर्ड बैक्टीरियम यूज इन द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का यूज किया गया था, यह आपको एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, स्यूडोमोनास प्यूटिड आपको याद कर लेना है। बायोपायरेसी डज नॉट इन्वॉल्व एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट विद परमिशन विदाउट परमिशन होता है बेटा, विदाउट परमिशन, तो यह बायोपायरेसी नहीं है, परमिशन अगर ली गई तो फिर वो बायोपायरेसी का केस नहीं हो सकता। द टीआई प्लाज्मिड इज ऑफन यूज फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक प्लांट, द प्लाज्मिड इज फाउंड इन, ये प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड कहां पाया था, हमने क्वेश्चन किया था, टीआई प्लाज्मिड कहां पाया था, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के अंदर। व्हाट इज ट्रू ऑफ बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन के लिए कौन सा सही है, बीटी टॉक्सिन के लिए कौन सा सही बेटा, यहाँ पर जल्दी से बताइए, बीटी टॉक्सिन के लिए कौन सा यहाँ पर सही है। यस कम ऑन बच्चों, Come on. The inactive protoxin get converted into active form in the insect gut. यानी B option यहाँ पर correct हो जाए। B option यहाँ पर correct हो जाएगा। Tobacco plant resistant to nematode have been developed by introduction of DNA that produces RNA interference वाला तरीका है बेटा। Tobacco plant resistant to nematode क्या introduce करते हैं बेटा, इसमें DNA क्या produce करता है, both sense and antisense RNA जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं ना, डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। बीटी एंडोटॉक्सिन दैट एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन वंस बॉलवर्म इंजेस्ट इज ड्यू टू, बताइए। ये तो बहुत पूछा था, एल्कलाइन पीएच इन गट, एल्कलाइन पीएच इन गट, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थुरिंजियंसिस, देखो 2019 पूछा गया एल्कलाइन पीएच, वही सवाल बार बार, जायंट माउस हैव बीन प्रोड्यूस थ्रू, 2020 पूछा गया था, जायंट माउस को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जायंट माउस बड़े बड़े चूहों को प्रोड्यूस कर सकते हैं जीन में बदलाव करते हैं, जीन मैनिपुलेशन के द्वारा। The bacterium Bacillus thuringiensis is widely used in contemporary biology as, किस लिए इसको यूज किया जाता है बेटा, इसका यूज किस लिए किया जाता है बताइए जल्दी से। हाँ बताइए, इसका यूज एज इंसेक्टीसाइड किया जाता है बेटा। गोल्डन राइस इज ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इंप्रूव्ड रेट, ये भी बहुत आसान से, देखिए ये सब आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है बेटा, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। गोल्डन राइस के बारे में पूछा तो हाई विटामिन ए कंटेंट हो जाएगा, कितने सीधे से सवाल है। विच बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म टू ऑफ पब्लिक सर्विसेज, बताइए कौन सी कमेटी है, ये लगातार आपके नीट में पूछा जा रहा है, तो ये GAAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब ऑन लार्ज स्केल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, नीट 2019 पूछा गया था, तो बड़े स्केल पे अगर हम प्रोडक्ट को तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए बायो रिएक्टर का यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड GM फूड बहुत अच्छा नहीं है, उसका रीजन क्या है, GM फूड बहुत अच्छे नहीं माने जाते, क्यों नहीं माने जाते बेटा,
क्योंकि देयर इज ए डेंजर ऑफ एंट्री ऑफ टॉक्सिन और वायरस इनपुट, ये खतरा है यहाँ पर, इसलिए ये अच्छे नहीं माने जाते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग से नीट 2010 में पूछा गया था। देखिए सीबीएसई का मतलब नीट 2010 यही अब नीट बन गया है, ठीक है। तो इंसुलिन को प्रोड्यूस किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट इज, प्लांट में नेचुरली जेनेटिक इंजीनियर के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं बेटा, क्योंकि 30 मिनट में हमने 62 सवाल कर लिए, 30 मिनट लगा 62 सवाल करने में, ठीक है ना, स्पीड ठीक है। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, गोल्डन राइस, फिर वही सवाल, मॉडिफाइड किसकी सिंथेसिस विटामिन ए एनरिच्ड होता है इन बीटी टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट ड्यू टू प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इन टू एक्टिव टॉक्सिन। देखो कितनी बार पूछा गया, एल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, और तेज कराएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस, ये देखो नीट 2019 में पूछा गया था कि गोल्डन राइस के लिए कौन सा करेक्ट है, गोल्डन राइस के लिए कौन सा करेक्ट है। तो इज इट विटामिन ए एनरिच्ड विद ए जीन फ्रॉम डैफोडिल, डैफोडिल प्लांट से इसमें एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज कॉल्ड, ये अच्छा सवाल है, जीनोटाइप को इम्प्रूव करने के लिए अगर हम फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट टेक्निक इज नेम्ड एज, इस टेक्निक को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, ट्रांसजेनिक मॉडल फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टन कार्डिक डिजीजेस, कैंसरस डिजीज के लिए इसका यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूसेस हाई फैट, नहीं हाई प्रोटीन मिल्क, एनिमल लाइक बुल्स फॉर फॉर्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, ये सुपर पावर नहीं, ट्रांसजेनिक माइस फॉर सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमन, इसके लिए यूज किया गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CDNA प्रोब आर कॉपीड फ्रॉम मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ, तो मैसेंजर RNA से अगर हम DNA बनाते हैं तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और अभी मैंने बताया था इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करते हैं। RNA इंटरफेरेंस इज यूजफुल फॉर, RNA इंटरफेरेंस को RNAi कहा जाता है या मैसेंजर RNA साइलेंसिंग का नाम दिया जाता है, तो इसका यूज किस काम के लिए करते हैं, सेल डिफेंस के लिए, सेल के बचाव के लिए। The first clinical gene therapy was given in 1992 to a 4-year-old girl with enzyme deficiency. आप कौन से enzyme की deficiency थी बेटा? किस enzyme की deficiency थी आपको बताना है? तो ये enzyme था ADA, adenosine deaminase enzyme की deficiency थी। Which of the following feature of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? NEET 2019 से पूछा गया था। हमारे जीन से बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA बना के इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जाता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, ये भी वही सवाल है, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल। कल्टिवेशन ऑफ BT कॉटन हैज बीन मच इन द न्यूज, द प्रीफिक्स BT मींस, BT का मतलब क्या, BT कॉटन में BT का मतलब क्या है, BT कॉटन में BT का मतलब क्या है, कैरिंग एन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजेंसिस, डी ऑप्शन कट हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट एंड एनिमल इज टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू न्यूक्लियस ऑफ, बेसिक प्रिंसिपल ट्रांसजेनिक को डेवलप करने का क्या है, यह बढ़िया सवाल है, यह आप अच्छे से करो क्योंकि NCERT में आपको दिया नहीं गया। हाँ कहाँ पे, जर्म सेल यानी जो गैमीट होते हैं उनमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा, है ना, गैमीट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, पहला ह्यूमन हार्मोन जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीटी से प्रोड्यूस किया गया, पहला हार्मोन कौन सा था? पहला हार्मोन जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किया गया था, बताइए बच्चों फर्स्ट हार्मोन कौन सा था? इट वॉज इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टी नेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टी नेशनल कंपनी विदाउट ऑथराइजेशन दैट इज नेम्ड एज बायो पायरेसी, इसे क्या कहते हैं? बायो पायरेसी कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, एम्स 2005 में पूछा गया था, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पढ़िए जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 77 पे आ गए। अभी जो 11 बजे से क्लास होगी बेटा उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कराऊंगा ऐप पे, ठीक है? ऐप का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो 11 बजे से, और ये सीरीज होगी वीआईपी सीरीज, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो बीटी इन बीटी कॉटन इंडिकेट दैट इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ओके? इसमें बेटा बीटी बैसिलस थुरंजेंसिस को बताता है ना, बीटी बायोटेक्नोलॉजी को नहीं बताता है, ये गलत है। दैट एंटी कोएगुलेंट हेरुडिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक ब्रैसिका नेपस सीड, यस ये सी ऑप्शन सही। ऐप पर नहीं आता है, अच्छा ठीक है, अब मैं लिंक दे दूंगा बेटा, ठीक। और ऐप पे क्यों नहीं आता मैं देखता हूँ उसको। एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, ट्रांसजेनिक बासमती राइस की इम्प्रूव वेराइटी कौन सी? इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ट्रांसजेनिक बासमती राइस, क्वेश्चन नंबर 78। ट्रांसजेनिक बासमती राइस गिव हाई यील्ड एंड रिच इन विटामिन ए, एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी, इसमें से जीन थेरेपी का एग्जाम्पल आपको बताना, एम्स पूछा गया था, अच्छा सवाल है बेटा ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डीएमएनएज इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्किड डिजीज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, इसी टॉपिक पे मूवी बनी थी, कोई बता सकता उसका नाम? कौन सी मूवी बनी थी, पिछले साल आई थी मूवी स्किड डिजीज पर। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वॉज यूज इन 1990 ओवर ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल फॉर, किस डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं? अब देखो इसमें क्या गलती हो सकती है, अभी आप देखिएगा। ऐप कैसे ज्वाइन करना है इशरत बेटा? केवल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, हरिओम मिल जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। द स्काई इज पिंक, बिल्कुल श्रुति, द स्काई इज पिंक मूवी आई थी। यहाँ पे आंसर क्या होगा? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, बहुत सारे बच्चे यहीं पे रह जाएंगे, एडिनोसिन डेफिशिएंसी, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, अभी लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फॉर द गिवन एपरेटस, इस एपरेटस का आपको मैच बताना है, एक तरफ एपरेटस लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इसका काम लिखा हुआ है, तो कौन सा एपरेटस बेटा आपको दिया गया है, कौन सा एपरेटस आपको दिया गया? दिस इज द स्टिर टैंक बायोरिएक्टर दिया हुआ है ना, कैरिंग आउट फर्मेंटेशन है ना, स्टिर टैंक बायोरिएक्टर आपको दिया गया है। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक, देखिए वही सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार नीट में पूछे जा रहे हैं, कौन सी है? जीएक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है बेटा, कौन सा सही है बच्चों बताइए? सेंट्रोमियर इज फाउंड इन एनिमल सेल विच प्रोड्यूसेज एस्टर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेंट्रोमियर नहीं बेटा, वो तो सेंट्रियोल होता है। इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है, डीएनए हैज कोर ऑफ 8 स्टोन, नहीं बेटा डीएनए तो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, तो यहाँ पर इंसुलिन जीन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, बी ऑप्शन सही होगा। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस इन पुअर कंट्रीज कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग,
जो ब्लाइंडनेस की समस्या है गरीब देशों में, उसको किस तरीके से हम ओवरकम कर रहे हैं। ब्लाइंडनेस का कारण क्या होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी ब्लाइंडनेस का कारण है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम यूज करें किसका बेटा? गोल्डन राइस का यूज किया जा रहा है, गोल्डन राइस का यूज किया जा रहा है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कैन बी प्रोड्यूस बाई, जीएम क्रॉप को किस मेथड से प्रोड्यूस किया जाता है? जीएम क्रॉप को किस मेथड से प्रोड्यूस करते हैं? जीएम क्रॉप आर प्रोड्यूस बाई आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इनको प्रोड्यूस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए डीएनए फ्रेगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट, नीट 2018 पूछा। बढ़िया सवाल, एनसीईआरटी ने लिख के दिया है बेटा। ये वही एडीए डिफिशियंसी वाला जीन थेरेपी वाला केस है बेटा, है ना। जीन थेरेपी में तो डीएनए फ्रेगमेंट को भेजने के लिए रेट्रोवायरस का यूज करते हो। अगर कभी रेट्रोवायरस ऑप्शन में ना दिया जाए तो क्या करोगे? एडिनो वायरस को आंसर करोगे, एडिनो वायरस आंसर करोगे। इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीजर अभी मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन ऐसा किया था हमने। सुबह 6 बजे वाली क्लास स्टार्ट हो गई बेटा, ठीक है। तो सुबह 6 वाली क्लास में मेंटी मॉक टेस्ट करें। आज मैंने एक टेस्ट करा दिया था 106 नंबर वाला। मेकिंग ट्रांजिएंट पोर इन द सेल मेम्ब्रेन टू इंट्रोड्यूस जीन कॉन्स्ट्रक्ट विच इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज किया गया था? इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज किया गया था बताइए। क्वेश्चन नंबर 88, इसके लिए इकोलाई को यूज किया गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज, सबसे ज्यादा नंबर में ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं बेटा? सबसे ज्यादा नंबर में ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं? 95% से ज्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल हैं एक्चुअली क्या होते हैं? माइस होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज टू रिप्लेस द इफेक्टिव जीन थेरेपी, इफेक्टिव जीन थेरेपी। अभी अभी मैंने बताया जीन थेरेपी में हम किसका यूज करते हैं। अब देखो यहाँ रेट्रोवायरस नहीं दिया हुआ है तो क्या करोगे? एडिनोवायरस कर लोगे। रेट्रोवायरस नहीं दिया तो एडिनोवायरस कर लोगे। अभी 60 क्वेश्चन मैंने आपको ऐप पे कराए, 90 क्वेश्चन यहाँ पे कराए और 60 क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ ऐप पे। कितने हो गए? 210 सवाल हो गए। कल भी इतने सवाल मैंने आपको कराए थे। सोचो अगर इतने सवाल आप एक महीने तक कर लोगे ना तो कितना हो जाएगा? 6000 सवाल हो जाएंगे केवल इतने ही। और प्लस सुबह 90 क्वेश्चन एनटीए के कर लेते, इनको जोड़ लो तो 300 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आपको मैं करा रहा हूँ। 300 सवाल, आप 30 सवाल खुद नहीं करते हो, मैं 300 सवाल आपको करा रहा हूँ डेली बेसिस पर। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सारे बच्चे बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा कोड है HGLIVE, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। और मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ कि किस किस टाइमिंग पे आपकी कौन कौन सी क्लास होती है। सुबह 6 से 7 आपकी जो क्लास होती है यूट्यूब पर, ये होती है एनटीए मॉक टेस्ट, ठीक, एनटीए मॉक टेस्ट की क्लास होती है। फिर अब शाम की बात करते हैं, तो सुबह की बात होगी जो गंगवार इंस्टीट्यूट पे होती है। अब शाम की बात करें तो एक क्लास होती है 9 से 10 के बीच में, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होती है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको इकोलॉजी के क्वेश्चन कराए थे, कल हम बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चन कराएंगे। फिर 10 से 11 की जो क्लास होती है ये यूट्यूब पर होती है, नीट पंचायत, जहां पर कल हम क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के। फिर 11 से 12 की जो क्लास होती है बेटा, जो 11 से 12 की क्लास होती है ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे पोल के थ्रू हम लोग करते हैं। और इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ। कल मैंने द लिविंग वर्ल्ड किया था और आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये है वीआईपी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और ये कल ही से मैंने स्टार्ट किया है। ये सीरीज तो काफी दिन से आपकी चल रही, तो ये 4 क्लासेस हैं, इनके थ्रू 300 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको मैं करा रहा हूँ। और जल्दी मैराथन में लेने वाला हूँ, एक एक दिन में 1000-1000 सवाल आपको करा दूंगा, ठीक है। पीडीएफ सेंड कर दूंगा बेटा, ठीक है। अच्छा, कल शाम के 9 से 12 वाले क्लास के पीडीएफ नहीं मिले, ठीक है, प्रखर मिल जाएंगे बेटा, आज मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, आज मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आज के सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं बेटा। 5 मिनट में ऐप पे पहुंचो सब लोग, और वहां पर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।